गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल VP ITI टेक्नीशियन में। और दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी अपडेट लाए हैं जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से आई हुई है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी के रूप में अभी इसको माना जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे 4th सेम से ITI क्लियर बंदे आए हैं, दोस्तों ने अभी ITI की है। और इसके साथ ही साथ रेलवे में एक बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसियाँ अभी ख़त्म हुई हैं, तो अभी आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी बहुत अच्छे टाइम पे आई है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा 12वें महीने यानी इसी दिसंबर में 14 तारीख से, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस भी वही 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट इसकी दी है, तो ध्यान रखना भाइयों, 13 जनवरी 2020। तो लास्ट डेट तक आपको रुकना नहीं है, पहले ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। साथ ही साथ यदि अपना एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी CBT जो एग्ज़ाम होगा उसका कॉल लेटर के बारे में ये मोबाइल पे SMS या ईमेल आईडी से मेल आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखी जाए तो 1493 हैं, लेकिन अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कैटेगरीज की ये सारी जॉब हैं। इसमें हम देखते हैं सेक्शन ए रेगुलर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट। इसमें हमारे असिस्टेंट मैनेजर SNT यानी ई मैनेजर्स लेवल की सारी पोस्ट हैं। इसमें VTech वाले मेरे भाई सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनकी VTech अलग अलग ट्रेड्स में है। जैसे हम पहली पोस्ट देखेंगे RE01 पोस्ट हमारी असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, तो ये इलेक्ट्रिकल के मेरे भाई जो भी VTech किए हैं वो भर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्टेज ST SC OBC और जनरल में डिवाइडेशन की गई है, तो टोटल नंबर ऑफ 16 पोस्ट हैं जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाएंगी। RE02 देखी जाए तो असिस्टेंट मैनेजर SNT में है, बहुत ही अच्छी सैलरी है, 50,000 से 1,60,000 के बीच में, मिनिमम 50,000 रहेगी स्टार्टिंग। इसमें भी वही, लेकिन इलेक्ट्रिकल की जगह इस बार इसमें EC इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले हमारे भाई फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 6 हैं टोटल। देखा जाए तो RE03 में देखा जाए तो वही असिस्टेंट मैनेजर सिविल वाले जो भी भाई हमारे स्लिप सिविल से हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी देखी जाए तो 12 हैं। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो RE04 असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, तो इसमें देखा जाए तो इसके लिए हमारे BTech भाई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले सारे मिक्स हैं सिविल वाले, नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। सभी में परसेंटेज 60 अबाउ चाहिए, ये सभी को देखना है। आगे यदि देखा जाए तो RE05 में असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर्स में जिसमें चाहिए, तो ये सब डिवाइडेशन किया गया है अलग अलग BTech किस में हैं आप, तो वो आपकी डिग्रीज के हिसाब से। नंबर ऑफ वैकेंसी देखी जाए तो 3 है टोटल। RE06 में देखा जाए तो असिस्टेंट मैनेजर और ये ट्रैफिक्स की है, तो इसके अंदर भी BTech चाहिए सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो इसमें 1 नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। साथ ही साथ इन सभी पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस भी है, तो आप अपना एक्सपीरियंस देख लें और पूरा फॉर्म फिलअप तभी करें जब आप अच्छे से इसको रीड कर लें। जैसे देखा तो RE07 में देखा है तो असिस्टेंट मैनेजर स्टोर कीपर्स के लिए चाहिए, तो इसके लिए भी BTech है, इसको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह जो भी हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। यदि RE08 में देखा जाए तो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में चाहिए, तो इसके लिए हमारे नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, तो इसके लिए भी आपको ये जो इसकी CA या ICAWA जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सारी, तो ये हमारी नॉन एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव के अंदर ये सारी सेक्शन ए है हमारा, ये सेक्शन ए की हमारी टोटल वैकेंसी हमारे पास यदि देखी जाए तो आगे भी हैं, तो सेक्शन ए की हमारी 8 तक की पोस्ट कोड हो चुकी थी। तो फिर RE09 जो कि असिस्टेंट मैनेजर लगेज में है, तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। तो इस प्रकार हमारे सेक्शन ए की पोस्टें टोटल 60 हैं, नंबर ऑफ पोस्ट 60 हैं। सेक्शन बी में यदि हम आए नॉन एग्जीक्यूटिव में, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट इनके लिए काफ़ी भम्मार लोगों के फॉर्म फिलअप होते हैं, वही 18 से 30 की एज मानी जाएगी। वही RNE01 में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, वही 3 ईयर डिप्लोमा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल से, आपको रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 26 हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी हैं, SC ST अलग अलग डिवाइडेशन की हुई है। वैसे ही देखा जाए तो RNE02 में वही इलेक्ट्रॉनिक्स वाले BTech डिप्लोमा वाले हमारे भाइयों के लिए है, नंबर ऑफ वैकेंसी 66, बहुत बड़ी वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स में। RNE03 के लिए सिविल्स में जो हमारे 3 ईयर डिप्लोमा है उनके लिए 59 वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाएगी।
बहुत कम आती थी पहले, इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल्स में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में मार्जिन वाइज देखा जाए तो बहुत ही कम है इस बार। आगे देखा जाए तो RNE4 जूनियर इंजीनियर एनवायरमेंट्स के लिए चाहिए, तो इसमें 8 वैकेंसी है। इसमें हमारे इलेक्ट्रिकल्स वगैरह भी अलाउ हो जाते हैं। RNE05 में यदि देखा जाए स्टॉक कीपर में तो 5 वैकेंसी है नंबर ऑफ टोटल। इसी प्रकार यदि RNE06 में देखा जाए तो फायर इंस्पेक्टर के लिए 7 वैकेंसी है। तो जो भी हमारे भाई BSc क्वालिफाई हैं वो सब इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और 1 ईयर सेफ्टी जो फायर सेफ्टी वाला कोर्स होता है वो भी इसमें ज़रूरी है। RNE07 के लिए एग्रीकल्चर असिस्टेंट के लिए चाहिए, तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 4 हैं। इसमें हमारा डिप्लोमा चाहिएगा। RNE08 प्रोग्रामर के लिए 23 वैकेंसीज हैं। इसमें इसकी जो क्वालिफिकेशन है मेरे भाई, जो भी क्वालिफिकेशन जरूर देख लें अच्छे से। एक्सपीरियंस यदि दिया हो तो एक्सपीरियंस भी आप चेक करके अच्छे से भरें, BSc BCom जो भी दे रखा है। RNE09 में यदि देखा जाए लगे असिस्टेंट में तो 5 वैकेंसी दी है, तो इसमें LLB मिनिमम 50% के साथ पास आउट होनी चाहिए गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। RNE010 के लिए यदि देखा जाए तो बहुत बड़ी वैकेंसी CRA, ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है कस्टमर रिलेशनशिप असिस्टेंट के लिए, 386 वैकेंसी। लेकिन दोस्तों इसको फिलअप करने से पहले आप ये देख लें, इसमें एक तो पेपर फर्स्ट यानी CVT 1 CVT 2, और साथ ही साथ इसमें होता है हमारा जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो दिल्ली वो सॉरी रेलवे में हुआ था, जो हमारा जिसको हम बोलते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि CVT 1 और CVT 2 तो पास करना ही है। साथ ही साथ इसमें एक साइको टेस्ट होता है PHY, तो साइको टेस्ट भी आपको इसका क्लियर करना पड़ेगा। कस्टमर रिलेशनशिप पोस्ट के लिए साइको होता है, दिल्ली मेट्रो में एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसके लिए साइको क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो इसकी क्वालिफिकेशंस हैं वो यदि आप पास दे रहे हो यानी 3 ईयर 4 ईयर, मतलब आपको एक तरीके से BA या BCom BSc जो BTech वगैरह जो भी हैं आप, मतलब ग्रेजुएट हों आप सभी इसमें अलाउड हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है 386, तो आप इसमें अप्लाई करें। साथ ही साथ इसका ध्यान रखें कि CVT 1 CVT 2 के साथ ही साथ इसमें साइको टेस्ट भी होगा। आगे यदि हम सेक्शन नंबर इसी में चलें तो आगे हमारा RNE11 पोस्ट के लिए अकाउंटेंट असिस्टेंट है, वो 48 पोस्ट हैं। इसमें BCom आपको कंप्लीट होना चाहिए, 3 ईयर जो हमारा ग्रेजुएट के लिए होता है। साथ ही साथ RNE12 के अंदर चलें, RNE12 स्टोर असिस्टेंट के लिए 8 पोस्ट हैं और 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको होना ही चाहिए। RNE13 के अंदर असिस्टेंट CC, इसके लिए हमारे पास 4 वैकेंसी है बैचलर डिग्री इन, ये मतलब इसमें क्या है कि कम्युनिटी वाले जैसे बढ़ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। और RNE14 में हम देखें तो असिस्टेंट ऑफिसर असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसी है, BBA BCom BSc सब चलेगा इसके अंदर। आगे ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी, हम इसको मान सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, RNE15 15, 9 वैकेंसी है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें भी CVT 1 CVT 2 होने के बाद हमारा एक टाइपिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं वो होगा। तो 2 ही ऐसी पोस्ट है जिसमें थर्ड पेपर आपका जाएगा। आगे देखिए RNE16 मेंटेनर्स, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल मेंटेनर्स की इसमें वैकेंसी है। सैलरी वाइज मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं पर्सनली इसका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इसका ही तैयारी करवाता हूँ, इसलिए 25,000 से 80,000 आपकी मिनिमम 25,000 रहेगी, मैक्सिमम 80,000 पर आप पहुँच जाएंगे। वैकेंसी आपकी देखी जाए तो टोटल 101 वैकेंसी है। दोस्तों वैकेंसी वाइज देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन इस समय जिस तरीके से आपका रेलवे ने अभी कंडक्ट किया है एग्जाम्स, तो काफ़ी लोग उसमें सेटल्ड हो गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, वैकेंसी के हिसाब से सही रहने वाला है। तो आप जमकर तैयारी करें, जिन भी भाइयों का कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरे भाइयों का, एक अच्छे से मेहनत करें तो इलेक्ट्रिकल में आप इसमें करा सकते हैं। मेरा फोकस इस पे फोकस इसलिए इस पे ज़्यादा है क्योंकि इसका मैं खुद अपने यूट्यूब चैनल पर तैयारी करवाता हूँ, और आने वाले समय में यानी मैं इसका एक पूरा थ्योरेटिकल रूप से 1 ईयर डेली 1 आवर डेली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल पर, इलेक्ट्रिकल थ्योरी से रिलेटेड। जो भी निम्मी पैटर्न जिस पे हमारा DMRC पेपर जिस लेवल का देता है, जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में जिस तरीके का पेपर देता है, वो हमारा निम्मी पैटर्न पर पेपर आता है अधिकतर, तो उसकी हम पूरी तैयारी करवाएंगे। तो
तो भाइयों जो भी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की तैयारी कर रहा है हमारे चैनल पर जरूर बने रहें, ये हमारा नहीं ये हम सबका है। सॉरी, आगे देखिए RNE 17 के लिए, वही मेंटेनेंस के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हमारे भाई जो भी ITI हैं उन सब के लिए इसके लिए आगे है। इसके साथ ही अगर यदि RNE 18 देखा जाए तो फिटर के लिए वही ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में भी ITI और मैकेनिकल सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ITI और फिटर में भी ITI वाली, ये ITI पोस्टें हैं चल रही हैं मेंटेनर्स की। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर हमारे सी में, जिसमें एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस 2 ईयर्स, तो इसमें होता है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर SNT वगैरह, तो इनकी पोस्टें 1 हैं ये और SNT की 17 पोस्टें हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की पोस्टें हैं सी में। हम यदि देखा जाए आगे भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस की और भी पोस्टें हैं, उनके बारे में भी यदि हम देख लें तो CE 03 भी है असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए, तो 7 IT में इनकी क्वालिफिकेशन वही IT के लिए आप कंप्यूटर में हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए आप इलेक्ट्रिकल में BTEC होनी चाहिए। CN 04 असिस्टेंट मैनेजर सिविल के अंदर, तो सिविल में आपको BTEC होना चाहिए, नंबर ऑफ पोस्ट 73, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की पोस्टें हैं। CN 05 असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की 8 वैकेंसी हैं, ये वैकेंसी आपने ऊपर भी देखी होंगी और नीचे भी, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं और वो सब परमानेंट बेस की हैं। वही अगर आपको फाइनेंस में डिपार्टमेंट में जाना है तो CS ICW वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए। सेक्शन नंबर डी में यदि हम आएँ, सेक्शन नंबर डी में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस ऑन वही कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं, तो वही जूनियर इंजीनियर्स की इलेक्ट्रिकल की है, नंबर ऑफ पोस्ट 120, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं जो जिसमें हमारा डिप्लोमा कंप्लीटेड होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स में है 125 पोस्ट हैं तो इलेक्ट्रॉनिक में आपका डिप्लोमा क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार यदि CN 03 के अंदर देखा जाए तो वही सिविल के अंदर, तो सिविल के लिए 139 पोस्ट हैं और हमारा सिविल में हमारा डिप्लोमा क्लियर होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए एक भी पोस्ट है, इसके लिए आपको बेसिकली BSc और IT डिपार्टमेंट के अंदर आपको 60% के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। आगे यदि देखा जाए यही कॉन्ट्रैक्ट बेस की सारी पोस्टें अब हमारे पास बची हुई हैं, तो CN 05 में असिस्टेंट एग्रीकल्चर असिस्टेंट होते हैं और एक असिस्टेंट CC, तो इन सभी के लिए भी हमारी 10 पोस्टें असिस्टेंट एग्रीकल्चर के लिए और CC के लिए हमारी 3 पोस्टें हैं। दोस्तों ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं, और जो स्टार्टिंग की दो हम ग्रुप ए और ग्रुप सी यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी में थी वो हमारी परमानेंट बेसिस की पोस्टें। अब मैं इसमें आप सभी को थोड़ा सा इसका बताना चाहूँगा कि ये तो हमारी पोस्टों के डिवाइडेशन हो गए। इसके बाद हमारा जो मेन हमारा प्रोसेस होता है वो होता है कि हम देखना चाहेंगे कि इसके अंदर ये फॉर पोस्ट ऑफ मेंटेनर्स के लिए जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और फिटर से हैं RNE 16 18, तो कैंडिडेट शुड पास्ड ITI, ये सब मतलब ITI पास्ड होने चाहिए। तो मेंटेनर्स की सारी पोस्टों के लिए ITI है, बाकी यदि देखा जाए तो 01 02 उनमें सब में BTEC है किसी में, और यदि सिविल है इलेक्ट्रिकल है, इसके साथ है CA और फाइनेंस के लिए CA ICW कंप्लीट होनी आपकी चाहिए। दोस्तों आप इसके बाद देखना चाहेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, ठीक है, तो मैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे आप सभी को लाना चाहूँगा। तो CBT पेपर होता है, CBT पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहेगा इसके अंदर। कंप्यूटर बेस्ड पेपर में हमारा 2 पेपर्स दे रखा है हमारा, तो पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस आप ये सिलेबस आ जाएगा पूरा, तो हम सिलेबस के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। बस इसमें थोड़ा वो दिया हुआ है कि जैसे 1.2 आवर यानी 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, 1/3 इसमें नेगेटिव होती है, ये कंप्लीट इसमें दिया हुआ है सब कुछ। आप सभी को ध्यान रखना है कि पेपर 1 और पेपर 2 सभी पोस्टों के लिए हैं, ओनली फॉर छोड़नी है हमको मेंटेनर्स की पोस्ट है। जो मेंटेनर्स की पोस्ट है उसमें पेपर 1 होगा, मेंटेनर्स की पोस्ट के अलावा सभी पोस्टों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि मेंटेनर्स जो ITI से हमारी सारी पोस्टें हैं उसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो एक इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी मेथड दिया हुआ है, मेन दिया हुआ है साइको टेस्ट। साइको होगा हमारा कस्टमर CRA पोस्ट के लिए, कस्टमर रिलेशन पोस्ट के लिए ही हमारा होता है साइको टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए स्टेनोग्राफर्स वाली के स्किल टेस्ट हो जाएगा, मेडिकल सबका नॉर्मल होता है, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात इसमें मेडिकल्स में नहीं है। CRA पोस्ट के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना भाइयों, इसमें 3-3 पेपर होते हैं। इसके साथ ही यदि आप देखा जाए तो फीस के लिए जो हम अप्लाई फीस करेंगे अभी, तो अप्लाई फीस में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस, तो
जो भी मेरे भाई UR, EWS और OBC से बिलोंग करते हैं वो सभी नॉन रिफंडेबल 500 रुपये का पे करेंगे अपनी फॉर्म फिलअप करते समय। SC, ST और PWD एवं जो भी कैटेगरी वुमेन कैटेगरीज में आती हैं वो सारी 250 रुपये हमारा पे करेंगी, ये भी नॉन रिफंडेबल है, यानी ये रिफंडेबल नहीं है। जैसे रेलवे में लिया है 500 रुपये लिए हैं तो 400 वापस करें, लेकिन इसमें से कोई भी आपका रिफंडेबल पेमेंट नहीं है। तो ये आपकी फ़ीस से रिलेटेड होगी। और फॉर्म फिलअप करते वक्त तो देखना ही है कि फ़ोटोग्राफ जितने में मांग रहे हैं वो सारी JPEG वगैरह में डालनी है, क्या डालना है। तो आप सभी को अब मैं जो मेन बताना चाह रहा हूँ वो यही कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमने बता ही दिए 1493 है। दोस्तों जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लें और अपने यूट्यूब चैनल पर VP IT टेक्निक्स पर बने रहें। जो भी मेरे भाई इलेक्ट्रिकल से हैं और ITI जिन्होंने की हुई है और जो तैयारी कर रहे हैं DMRC की, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, तो हम सारे पेपर्स ओल्ड वाले सॉल्यूशन कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।